हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 25 के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको फ्रेंचाइज मॉडल्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे और साथ में ये भी समझाएंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी फ्रेंचाइज के ऊपर बना रखी है जहाँ पर हमने बताया है कि कैसे आप वेंडिंग मशीन फ्रेंचाइज ले सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आपको पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा बिजनेस मॉडल है फोफो, यानी फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। इस मॉडल को सबसे बेस्ट फ्रेंचाइज मॉडल कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें फ्रेंचाइजी मशीन परचेज करती है और उसको ऑपरेट भी खुद ही करती है। यहाँ पर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट्स, सप्लाईज, मार्केटिंग और ब्रांडिंग मैनेज करने के लिए। कंपनी यहाँ पे तीन तरीकों से प्रॉफिट जनरेट करती है। पहला है एक एनुअल फ्रेंचाइज फी चार्ज करके, दूसरा है मंथली टेक्नोलॉजी फी चार्ज करके, और तीसरा है हर सेल पर एक मार्जिनल फी लेके। सबके बाद जो बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज ओन्ड और फ्रेंचाइज ऑपरेटेड बिजनेस मॉडल है तो आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होता है और आपको GST नंबर भी लेना पड़ता है। अगर बात करें फोफो मॉडल के एडवांटेज की तो वो ये है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंट्रोल फ्रेंचाइजी के पास होता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर पूरा हक फ्रेंचाइजी का ही होता है। क्योंकि फ्रेंचाइजी ही बिजनेस को ऑपरेट कर रही है और यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो इस मॉडल में बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और अब अगर बात करें फोफो मॉडल के डिसएडवांटेजेस की तो यहाँ पर रिस्क फेलियर ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रेंचाइज पूरा बिजनेस अकेले ही मैनेज करती है। यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली लो होता है क्योंकि फ्रेंचाइज को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी मैनेज करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे फ्रेंचाइज मॉडल की, जो है फोको, यानी फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इस बिजनेस मॉडल में कोको की तरह सब ऑपरेशन रिलेटेड टास्क कंपनी ही मैनेज करती है। यहाँ आपको वेंडिंग मशीन परचेस करनी है वेंडर से और आप ही उसका ओनर भी होंगे। अगर बात करें यहाँ वेंडिंग मशीन परचेस करने की तो हमने प्रोमिनेंट वेंडिंग मशीन वेंडर्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे प्रिंट कमेंट में भी मिल जाएगा। फोको मॉडल में रेवेन्यू जनरेट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला, रेवेन्यू शेयरिंग, जहाँ आपको टोटल रेवेन्यू का एक परसेंटेज मिलता है। ये परसेंटेज वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग, जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट में से एक फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है, जो कि अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तीसरा है मिनिमल प्रॉफिट शेयरिंग, जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट में से एक मिनिमल फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है, कोको मॉडल की तरह। यहाँ भी बिल कंपनी के नाम पे ही जनरेट किया जाता है। सब ट्रांजैक्शंस फ्रेंचाइज मैनेज करती है और उसके बाद आपको एक फिक्स्ड शेयर मिलता है अपने प्रॉफिट शेयरिंग बाइंडिंग के बेसिस पे। कुछ कंपनीज वेंडिंग मशीन्स को लीज बेसिस पर भी ऑफर करती हैं, बट उसको फोको मॉडल में कंसीडर करती हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेंडिंग मशीन्स को लीज पर प्रोवाइड करना कोको मॉडल के अंदर आता है, क्योंकि ओनरशिप आपकी नहीं होती है। फोको मॉडल में कंपनी आपसे मंथली चार्ज करती है अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए और एक एनुअल या फिर वन टाइम फ्रेंचाइज फी लेती है, बट ओनरशिप आपकी ही रहती है। अगर बात करें फोको मॉडल के एडवांटेज की, यह एक्सपेंसेस इक्वली डिवाइड होते हैं। फ्रेंचाइज को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बियर नहीं करने पड़ते और कंपनी को सेटअप रिलेटेड एक्सपेंसेस बियर नहीं करने पड़ते। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को कंपनी या फिर ब्रांड पूरी तरह से मैनेज करते हैं, तो क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच की ही रहती है। और अगर बात करें अब डिसएडवांटेजेस की, तो ये है कि उन सब ऑपरेटर्स के लिए सुटेबल नहीं है जो अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करना चाहते हैं। ये कंटिन्यूस और कोलैबोरेटिव मॉडल है तो फ्रेंचाइज के डेली एक्सपेंसेस भी कंट्रोल नहीं रहते हैं। अब इस वीडियो में एक बोनस एलिमेंट है। एक और तरीके का फ्रेंचाइज मॉडल होता है जिसे मास्टर या सुपर फ्रेंचाइज कहते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपनी को एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, चेन्नई के एक VMO को यानी वेंडिंग मशीन ऑपरेटर को पंजाब में बिजनेस सेटअप करना है। इस केस में ऑपरेटर अपना मास्टर या सुपर फ्रेंचाइज पंजाब के किसी एक्नोलेजेबल पर्सन को देगा। इनको एनुअल फ्रेंचाइज फी, टेक्नोलॉजी फी, प्रोडक्ट मार्जिन और सेल्स मार्जिन में भी शेयर मिलता है। एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइज बेचने के लिए आपका वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं मास्टर फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस की। क्योंकि अब काफ़ी सारे सब फ्रेंचाइज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक लोकेशन में आपके पास इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। फ्रेंचाइज आपको पे करेगी फ्रेंचाइज नेम के अंडर काम करने के लिए, राइट्स को यूज़ करने के लिए। इस मॉडल में ऑपरेशंस को स्केल अप करना और बिजनेस एक्सपेंशन काफ़ी होता है। और अगर बात करें मास्टर फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेज की, तो आप अपने ब्रांड को मास्टर फ्रेंचाइज के हाथों में दे रहे हो तो
टू एक एक्सटेंट तक। इसका मतलब है कि ब्रांड आइडेंटिटी का डिल्यूजन भी हो सकता है या फिर सर्विसेज का प्रोविजन भी अनइक्वल हो सकता है। मास्टर फ्रेंचाइज का सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि हार्डवर्क, टाइम और एफर्ट को अगर एक स्ट्रेटजिक वे में इम्प्लीमेंट करें तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हमें पता चला कि फ्रेंचाइज मॉडल और इंसुलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में और उनके क्या क्या रोल होते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।